रिवर के साथ साथ हम चल रहे हैं रेड ट्रेल वगैरह चलने की ना, लोग बोल रहे हैं कीड़े मकोड़े बहुत हैं। देखो तस्वीर देखो, ट्राई कोई या तो जंगल में आग लगा के भाग गया, या क्योंकि ट्रेन यही है वो जो तुम बोल रहे हो ना, और कोई रास्ता नहीं होगा क्योंकि पानी है वो तो। आप देख रहे हैं एक्टिविटी भाई, हम सैंडी फॉल्स की तरफ जा रहे हैं। कच्चा ग्रेवल वाला रोड कनाडा में दूसरा कच्चा रोड मिल गया, पीछे गाड़ी मिट्टी बनाती हुई हमारी भी तो रोड ही होगी। कितनी दूर दिखा रहा है अभी? 2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर, 4 मिनट 80 मीटर। उसकी वेजिटेशन पौधों से लग रहा है कि थोड़ी लुक डिफरेंट होगी, और अभी हमने तस्वीरें भी देखी हैं, मैं आपको एक हाथ दिखाता हूँ। अच्छी लग रही है ना, रिव्यूज तो इतने नहीं अच्छे आए हुए। ये तस्वीर देखो, इनका दिक्कत रिव्यूज है। इन रिवर के साथ साथ हम चल रहे हैं रेड ट्रेल वगैरह चलने की ना, लोग बोल रहे हैं कीड़े मकोड़े बहुत हैं। देखो तस्वीर देखो, कीड़े मकोड़े तो यहाँ होते हैं, क्या कर सकते। तो भाई हम जो सडबरी जा रहे थे उसके हाईवे से हमने एग्जिट किया ईस्ट बाउंड, और आप ये देख रहे हैं मोबाइल पे दिखा भी रहे हैं यहाँ पहुँच रहे हैं। हाँ ना, वो तो नेट पे मैंने देखा ना, वो था तकरीबन 2.2 किलोमीटर पूरी ट्रेल है बड़ी जबरदस्त। अभी हम तकरीबन आ गए, देखो पानी में पहुंच गए। इसकी 2.2 किलोमीटर की ट्रेल भी ज्यादा ही होगा ना, लंबा बीच है। ट्रेल का मतलब ये थोड़ी होती है बगैर चलने का निशाना, मैंने वहीं पर चले। मैं भी वहाँ लास्ट नॉर्थ बेबिंग पर पहाड़ पर चढ़ा गया था। दबा के देगा नहीं, फॉल आ गया थोड़ी। वही तो बोल रहा हूँ, फॉल वही है ना, कहाँ जा रहे हैं। धुआं ट्राई कोई या तो जंगल में आग लगा के भाग गया, या क्योंकि ट्रेन यही है वो जो तुम बोल रहे हो ना, और कोई रास्ता नहीं होगा क्योंकि पानी है वो तो। बोन फायर, लोग ऐसी साइडों साइडों में चलने लगते होंगे। और क्या, एक हाथ में हम भी, एक हाथ में हम भी चल रहे थे, कचरे को भाग ले रहे हैं तो बक्सा काम कर। यहाँ रुक गए, पैदल चल लेते हैं, अब उतर जाते हैं, किनारे पहुंच ही तो गए। इसके नीचे लग रहा पानी मिल रहा है ना, हल्का फुल्का हुआ अभी तो, खैर जुआई लग रहा है उस पर दिखा रहा है। अभी समझो टोटल ऑफ रोड ट्रैक पे हम चल रहे हैं ना, पानी आई गया सीधे चलता, सीधे ही दिखा यार। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा चैनल एक्टिविटी है। सुबह से शाम तक ज़िंदगी में जो कुछ होता है ये मुझे शेयर करना अच्छा लगता है, इसका जिक्र करना, बात करना, स्टोरी बनाना, वीडियो बनाना, इस पर मुझे अच्छा लगता है। अगर आपको मेरी कोशिश पसंद आए तो बहरा मेहरबानी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। इसके अलावा ऑल नोटिफिकेशन के साथ बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि तमाम आने वाली वीडियोस की इत्तला आपको बर वक्त मिलती रहे। अगर आपको मेरी कोशिश नहीं भी पसंद आती है
मगर अब YouTube के एल्गोरिथम की वजह से हमारे रास्ते टकरा गए हैं, तो बरवाए मेहरबानी जाते जाते कमेंट कर दीजिए, आपके इस कमेंट से किसी का भला हो जाएगा, सीखने का मौका मिलेगा और इंशाल्लाह मैं बेटर करने की कोशिश करूँगा। मैं तो चला जाता अंदर लेकिन जो है ना ये थोड़ा डर रहा था, तो नहीं क्या यहाँ गाड़ी लगाते हैं, आगे फॉल्स है, चलते हैं। यार बग्स बहुत तंग कर रहे हैं, जो भी 5-6 व्यूज एंड रिव्यूज हैं 8 टाइम मैंने देखे हैं उस पर लोगों ने लिखा बहुत ज़्यादा बग हैं, उस बंदे ने तो 1 मार्क दिया था। स्मेल भी आ रही है और इसके अंदर वुड्स के अंदर जो ना पानी है साफ, काटना शुरू हो गए भाई, बग्स हैं, मैं पहले बता रहा हूँ, बोलना नहीं। मैं बंदे ने हैं मैं तो जा रहा हूँ, आ जाना थोड़ा सा यार, कुछ नहीं होता यार, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है। मंजर देखा दोनों भाइयों की वीडियो तस्वीर तो आ जाए यहाँ पे, भाई का चश्मा गिरा दिया भाई ने। यार मेरी कैप पड़ी थी जिम में, तुझे वो दे देता वो पहन लेता, तो तुझे ना बक्स वो जो बेचैन कर रहे ना। डरना मुझे भी दे दे भाई, हथियार ले लिया यार, वुड्स में कोई भी नहीं है हमारे अलावा, उस गाड़ी के अलावा कौन है यहाँ पे। ये देखिए आप, झील है, पानी इधर से इधर से उतर है, ये मक्खा मुझे बार बार। अबे गाड़ी है गाड़ी की आ सकते थे भी यहाँ तक, डर गए हम। फॉल्स ना दिखा रहा भाई, करीबी है, आवाज कैसी आ रही दरख्तों की यार, इस तरफ होना चाहिए लेफ्ट की, ये तो ज्यादा नहीं होगा ना, इसे कोई स्प्रे स्प्रे करने चाहिए इन लोगों को यहाँ पे सर, अगर टूरिस्ट पॉइंट बने हुए। अभी तो मैं वही सही है, पाकिस्तान में जो ना कराची में भी रोड नहीं होती ना, फिर हमारी वो आवाज़ भी नहीं निकलती। क्या बोला तुमने कि मिफ्ता इस्माइल टीवी पे आता है लोग गाड़ियाँ लेके निकल जाते हैं। क्या मतलब है यार, ये पानी क्यों है, ये कहीं से ओवरफ्लो होता है क्या है? या ये लेक वेक का पानी ऊपर चढ़ा हुआ है, लेक का तो नहीं होगा, नहीं तो फिर दूसरा है मुझे लग रहा है। अबे भाई कहाँ जा रहा है, इस साइड से आना, या पानी पे ही जा रहे हैं ना, या उस तरफ थी वो फॉल, ये पानी है ना, फॉल्स उस तरफ तो नहीं थी, नजर तो आ रहा है नहीं, वो ट्रैक वो फॉल्स राइट पे दिखा रहा था, लेफ्ट पे तुम देख तो रहे थे मैप पे। फॉल्स मैंने तस्वीर वगैरह देखी, क्या तुक्का जो भी नजर आए, अबे ये सही है, नहीं घुमाते नहीं आ रहा, एक यार अल्लाह की कुदरत है, मुझे नहीं चपटी वो चपट चाहिए हल्की चपटी, तो वो पत्थरों वगैरह में से पानी गुजर रहा था, ये इस तरह फॉल्स है, कोई ऐसा नहीं है कि बकायदा आबशार गुजर रही, ये भी ये बोल रहा था कि हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि उस तरह से एक आबशार नुमा गिर रही होगी वही फॉल्स है। उस दिन हम बदली और एक आध जगह फॉल्स जो तुम गए थे लेके इस हाथ पे, तो वहाँ भी फॉल्स क्या थी, वह पत्थरों में से पानी गुजर रहा था, एक तो खैर मुझे वहाँ आर्टिफिशियल ही लग रही थी। हाँ यार रुक के देख ले, समझ में नहीं आ रहा, हम तो चलते चले आ रहे हैं। अबे ये उन्होंने लोगों ने इसी ट्रैक का जिक्र किया होगा, यहाँ पे तो इतना मैप भी काम नहीं कर रहा ना, रास्ते 2 में तब्दील हो रहे हैं, पीछे भी 2 में तब्दील हो रहे थे,
अब ये वुड्स में से भाई मैं तो घूमता ही ऐसे हूँ। भाई साहब आपको चलने की आदत नहीं है ना? चलने की आदत नहीं भाई, ये हाल इस तरह में चलना मेरे लिए सही है। चलना तो मैं बहुत चल लूं। तो इस तरह चलने से क्यों घबरा रहा है? ये तो जानवर आ गया ना। अब अल्लाह का नाम ले यार। चल है रास्ता है, ये रहा। कुछ भी नहीं है, खतरनाक जगह लग रही है। नहीं कुछ नहीं है यार। अच्छा तू खड़ा था मुझे देखने से? बस मैं यहाँ खड़ा रहा हूँ। अल्लाह को मान यार। इधर ही है भाई, आवाज से जा रही है। हाँ हाँ चलो सही आ गए। वो बिल्कुल तुमने सही बोला था, पत्थरों में से गुजर रहा होगा। ये तो वही हो जाता, आखिर तक खुदाई थी और निकलने कुछ नहीं निकला है, वापिस अगर चले गया था। इस सवाल के लिए तैयार है नहीं यार? सही है यार, वो देखिए आप। अरे गंजी नहीं चला मेरे, नहीं मार दिए। ये शील्ड्स के ही पत्थर है ना यार? वो जो लोग बोट्स में जाते हैं ऐसे ऐसे आड़े टेढ़े होके पत्थरों के बीच में, उसी किस्म का पानी होता है यार? नहीं कर यार, यहाँ नहीं कर यार, डेप्थ है, डेप्थ है यार, डेप्थ है, ना कर मेरा भाई। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये पकड़ दो, इस गिर पे है। चल 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 वापस चल, देख लिया आपको कौन है। खुश हो गया क्या? मतलब तुम्हें अट्रैक्शन नहीं लग रही इसमें? अट्रैक्शन है ये है सैंडी फॉल्स। अब फॉल्स क्या है, वाटर फ्लो हो रहा है। चलो फिर भी अच्छा, वो आगे वाली ट्रैक पे ट्रेल पे लंबा निकल जाते नहीं? अब वो भी नहीं आ रहा है। वो जो हो रहा था मैं बोल रहा हूँ, ऑटो तक जा रहा है, वो कनेक्टेड है, वो यही तो नहीं है वाटर वेस? क्या वो हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि वो जंग की पूरी फौज लेके गया था? वो जितने भी बंदे होते होंगे यहाँ की, तो आबादी अभी पूरे कराची के बराबर हिस्से में आबादी 52,000 है। चले जनाब थोड़ा सा चले 100-200 मीटर इस तरह। अबे पानी के साथ तो आ जाए थोड़ा सा इस वाले से। अबे आ जा यार। चल अब इतनी अच्छी ट्रैक लग रही है चलने की यार। तो भाई ये था हमारा एक्सपेडिशन सैंडी फॉल्स का, और सच कोई नेट पे रिव्यू नहीं है, स्केच कोई पब्लिक नहीं यहाँ पे इतनी। थोड़ा सा वो पानी बह रहा है, मुझे लग रहा है यही वो रास्ते हैं यहाँ से गोवा वगैरह का, इसी में जिक्र है सैमिल्डो चैपलिन फोर्सेस वगैरह को लेके गए, जितनी भी उस दौर के हिसाब से अपोजिट पार्टी की भी तो उतनी होती होंगी। रोड इतनी है यहाँ पे, मुझे खाना पीने पकाने का शौक है ना, बड़ा मज़ा आ जाए, लेकिन नमी है अभी। अब जूते जाड़ के गाड़ी में घुसूंगा वरना इसकी गाड़ी ख़राब हो जाएगी, मैं बग्स बहुत तंग कर, तो मुझे एकदम से इसमें जो है ना घुसना है। मिट्टी से हाथ साफ कर लिए, देखो मिट्टी लग भी गई थी मेरी। भाई तेज़ी से बैठना।
अब हम निपी सिंह लेक के उधर चल रहे थे ना, 203 गैस हो गई है वहाँ से, 175 हमने डलवाई नॉर्थ बे से, नॉर्थ बे के बाहर से, और ये वेस्ट निपी सिंह टाउन है, यहाँ हम पहुँच गए। थोड़ा बड़ा है यार, पिछले 1 किलोमीटर से हम इस, आप इस पर भी देख रहे होंगे मैप पे नजर आ रहे हैं, गुजरे ही जा रहे हैं। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है, कहाँ जा रहे हैं? बेल पार्क। बेल पार्क, उसकी लोकेशन डाली हुई, 1 hour 5 minutes, यानी हम अपनी असल टारगेट सेटबरी के करीब ही पहुंच जाएंगे। अब वो सेटबरी में ही है बेल पार्क। बेल पार्क, ओके, अब वो सेटबरी की जगह है, ढूंढ रहे हैं, अब वो घंटा लगा हो जाएगा। ये होगा कोई पुराना डाउनटाउन सेंटर बाइल LCBO। तुम पहले क्या समझते थे क्या ये? LCBO। ओहो हाँ, 10-12 कलर, 10-12 कलर की मैंने टी शर्ट ले ली थी गुल अहमद से, मिली तफरी था, अच्छा लगा। चल ले यार घुमा ले, थोड़ा सा खड़े हो जाते हैं, थोड़ा सा घूम, यहाँ का दिखा रहा उधर दिखा, चल ले देख लेते हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर देना भाई, ना भी पसंद आए तब भी कमेंट कर देना, आ गए हो गुजर रहे हो जाते आते किसी का भलाई कर दो, इंशाल्लाह आइंदा मिलोगे बेहतर करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना अपना प्यार ख्याल रखना।